आज इनकी एनिवर्सरी है। पति अपनी वाइफ के साथ डिनर पर आता है, उसे एक नेकलेस पहनाता है। वाइफ की आंखों पर पट्टी बांधकर शहर से दूर लेक हाउस पर लेकर जाता है। दोनों लेक हाउस के अंदर जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था। इसके बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं और बैंग बैंग करके सो जाते हैं। अगली सुबह जब लड़की की आँख खुलती है तो उसका हाथ उसके पति के साथ हथकड़ी से बंधा हुआ था। जैसे ही लड़की उससे पूछ पाती कि यह क्या है, उससे पहले ही वो अपने आप को गोली मार लेता। लड़की घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है मगर कोई नहीं सुनता। फिर वो कॉल करने की कोशिश करती है मगर फ़ोन में नेटवर्क नहीं होते। अपने दिमाग को शांत करने के बाद वो गोली चलाती है हथकड़ी तोड़ने के लिए मगर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें एक गोली थी जो उसके पति ने अपने भेजे में उतार ली। उसके पति ने आसानी से निकलने के सारे रास्ते बंद कर रखे थे। अब एमा बुरी तरह से अपने पति के साथ फंस चुकी है। एमा नाइट ड्रेस में थी जो तो अपने कपड़े चेंज करना चाहती है, लेकिन उसके पति ने उसके लिए केवल शादी का जोड़ा छोड़ा है। जैसे ही वो ड्रेस उठाती है उसे उसके पीछे एक तिजोरी नज़र आती है। ड्रेस को वो अपने पति को घसीटने के काम में लाती है। बाहर खून जमाने वाली ठंड है, इतनी ठंड में बिना कपड़ों के और नंगे पैर जाना बहुत खतरनाक है। एमा दरवाज़ा बंद करती है, हथकड़ी से पीछे छुड़ाने के लिए नुकीली चीज़ ढूंढने लगती है। तभी उसे कार की चाबी मिल जाती है। उसे बॉडी को घसीट कर गैराज तक नंगे पैर जाना होगा। वो कैसे भी करके कार तक पहुँच जाती है। कार स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो चल नहीं सकती क्योंकि पहले ही उसके पति ने कार का फ्यूल खाली कर दिया था। तभी कार में उसे उसके पति की रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है जिसमें पता चलता है कि उसे एमा के रिलेशनशिप के बारे में पता था, इसलिए उसने बदला लिया। एमा वापस घर में जाती है और स्टोर रूम में जाती है लेकिन वहाँ से सारे टूल गायब थे। अचानक से एमा को गेट खटखटाने की तेज़ आवाज़ आती है। फिर उसे पता चलता है कि ये जैक है। जैक बताता है, तुम्हारे फ़ोन से ही मुझे यहाँ मिलने का मैसेज आया था। जैक माइक की बॉडी को देखता है तो एमा उसे सब समझा देती है। उसी वक्त घर की तरफ दो आदमी आते हुए दिखते हैं। जैक को कुछ गलत लगता है, वो उन दोनों को अंदर आने से रोकने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी जैक के ऊपर चाकू से वार करके उसको मार देता है। एमा कैसे भी छुप के माइक की बॉडी को घसीटकर स्टोर रूम तक ले जाती है, लेकिन टॉम घसीटे हुए खून के निशान का पीछा करने लगता है। यहाँ एमा को एक कुल्हाड़ी टाइप का औजार मिलता है, इससे वो हथकड़ी तो नहीं काट सकती लेकिन माइक का हाथ काट सकती है। खून का पीछा करते हुए उसे माइक की खून से लथपथ बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और एमा को नहीं देख पाता, जल्दी से बाहर भाग जाता है। दोनों यहाँ पर आते हैं लेकिन एमा ठंड में नीचे छुप जाती है। घर में तो डेड बॉडी है, फिर भी विलियम यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसकी नज़र उस तिजोरी पर है। तभी विलियम को पैरों के निशान दिखते हैं। वो समझ जाता है कि एमा यहाँ ही कहीं है। उनके जाते ही एमा को एक फ्यूल टैंक मिल जाता है जिससे डालकर वो यहाँ से भाग सकती है। फ्यूल लेकर एमा गैराज की तरफ जाने लगती है। कैसे भी छुप छुप कर वो गाड़ी तक पहुँच जाती है और फ्यूल डालने लगती है, लेकिन आवाज़ सुनकर विलियम गैराज में आ जाता है। कार के टायर को पंचर कर देता है। मौका देखते ही एमा गैराज से बाहर निकलकर बेसमेंट में अपने आप को छुपा लेती है, लेकिन पीछे पीछे विलियम भी आ जाता है। एमा पकड़े जाने वाली होती है कि तभी कार का अलार्म बजा देती है। इसके बाद उसे ठंड से बचने के लिए जैक के कपड़े और जूते पहनने का मौका मिल जाता है। विलियम एमा को ढूंढने लगता है। तभी एमा स्टिक से विलियम पर वार करती है, फिर टॉम पर वार करती है। एमा जल्दी से कार को स्टार्ट करने लगती है लेकिन तभी विलियम एमा को बाहर निकाल लेता है और मार मार कर बेहोश कर देता है। जब एमा को होश आता है वो फिर से अपने आप को माइक की बॉडी से बंधा हुआ देखती है। विलियम एमा को मारने लगता है लेकिन तभी टॉम को कन मिल जाती है। वो विलियम को साइड में खड़े होने के लिए कहता है। एमा तिजोरी का पासवर्ड बता देती है लेकिन उसके अंदर आ रही थी जिस पर लिखा था डायमंड एमा के नेकलेस में है। माइक ने ऐसा नेकलेस पहनाया था जिसे दोबारा खोला नहीं जा सकता। विलियम समझ जाता है एमा का गला काट कर ही डायमंड मिलेगा। दोनों लड़ने लगते हैं। तभी टॉम विलियम को पीछे से दबोचने की कोशिश करता है लेकिन बदकिस्मती से एंगल उसके सिर में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर एमा विलियम को मारकर बेहोश कर देती है और माइक की बॉडी के साथ बांध देती है। एमा कार से भागने की कोशिश करती है लेकिन टायर फटने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। दोनों बर्फ के ऊपर लड़ने लगते हैं। एमा विलियम के सीने में चाकू मार देती है। तभी बर्फ टूट जाती है। विलियम पानी के अंदर एमा को भी घसीट कर ले जाता है। पानी के अंदर एमा विलियम की आंखों में चाकू घुसेड़ देती है। एमा का दम घुटने ही वाला होता है कि तभी वो नरम सतह को तोड़कर बाहर आ जाती है और बच जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।